भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर सबसे जुदा है। 9वीं शताब्दी में बनाए गए खजुराहो के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहां बेलपत्र पर राम का नाम लिखकर भगवान मतंगेश्वर को चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में भगवान मतंगेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करने आए हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ की जो शिवलिंग है वो बहुत प्रसिद्ध है और मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने भी मनोकामनाएं एक मांगी है और वो चाहते हैं कि वो पूरी होगी। आज देखिए कितनी सारी भीड़ है, हम लोग सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं और भक्तगण भी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। आप लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, क्या क्या किया जाता है? दूध दही घी शक्कर शहद इनका अभिषेक करते हैं। हम लोग आकर बेलपत्र धतूर फूल वगैरह चढ़ाते हैं। देश विदेश के आदमी आते हैं, देहातों के आते हैं। वो सावन का महीना सबसे पवित्र है। पहले जल चढ़ाते हैं, दूध दही शहद घी समी पत्र तुलसी मंजरी बेलपत्र। बेलपत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। उसमें चंदन बेलपत्र में क्या लिखा जाता है, उससे क्या फायदे होते हैं? बेलपत्र में राम का नाम लिखा जाता है क्योंकि राम के चरणों को शंकर जी हृदय में धारण किए हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र पसंद है और राम का नाम लिख के उन्हें ज्यादा पसंद है। इस मंदिर को चंदेल राजा चंद्रदेव ने बनवाया था। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जितना ऊपर दिखता है उतना ही नीचे दबा हुआ है। मान्यता यह भी है कि राजा चंद्रदेव के पास मरकत मणि थी जिसको सुरक्षा के लिए उन्होंने मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और मणि को शिवलिंग के नीचे दबा दिया। कहते हैं जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसे उस मणि का भी तेज मिलता है। दुनिया भर में अपने अनोखे मूर्तिकला और मंदिरों के लिए मशहूर खजुराहो में जो भी पर्यटक आता है वो भगवान शिव के इस मतंगेश्वर मंदिर में जरूर आता है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर ये खजुराहो का विशाल मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग विराजे हुए हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि 9वीं सदी का यह मंदिर है और साथ में 18 फीट यहाँ पे ऊंचाई बताई गई है। 9 फीट ऊंचे हैं और 9 फीट नीचे हैं, कुल मिलाकर 18 फीट ऊंची यहाँ पे शिवलिंग बैठे हुए हैं और चंद्रदेव जो राजा थे उन्होंने मरकत मणि यहाँ पे लाकर छिपाई हुई थी और उसकी सुरक्षा को लेकर जो शिवलिंग विराजे हुए हैं भाई उनकी सुरक्षा करती है मरकत मणि की। इसके अलावा यहाँ पे भक्तों का सैलाब लगातार देखा जाता है, भक्तजन यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर बेलपत्री चढ़ाते हैं, साथ ही उसमें ओम नमः शिवाय लिखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस तरीके की आस्था मतंगेश्वर मंदिर की देखी जाती है। लगातार लोगों का सैलाब देखा जाता है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया।